आगे नवीन को जोड़ते हैं अपने साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से, यानी कि काशी से। नवीन गुड मॉर्निंग, बताइए किस तरह का मौसम है बनारस में इस वक्त? जी बनारस में तो आज बड़ा अच्छा मौसम है, थोड़ा रह के घाम हो जा रहा है, थोड़ा रह रह के बजरी का मौसम हो जा रहा है, बट यहाँ पर बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में अद्भुत अद्भुत शहर काशी विश्वनाथ की नगरी। और बताइए नवीन जी, किस तरह से मदद की जाए आपकी, क्या स्टॉक लिया हुआ है आपने? जी ऐसे तो स्टॉक तो हमने बहुत ज्यादा रख चुका है, लेकिन हमारा मेन सवाल था कि हमारे पास जियो फाइनेंस के करीब 2000 शेयर थे, लिए तो थे हम 250 से, लिए एवरेज करते करते जो है हमारे पास 300-405 रुपए के रेट पर जो है ठीक है हो चुके हैं 2000। इसमें हम 2000 शेयर और बढ़ाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 10-15 वर्षों के लिए। चलिए चलिए, क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल, चलिए अमर मैं आपके पास आना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छे कहते हैं ना, पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं। 300-405 के भाव पे एवरेज करते हुए इन्होंने जियो फिनांस का शेयर लिया हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर या किसी और डिप पे भी और एंट्री की जा सकती है? 10 साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में। धन्यवाद। तो जियो फाइनेंस में उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है और जैसा वो बनाना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, देखिए ये कंपनी रिलायंस ग्रुप कंपनी है, तो ओवरऑल फ्यूचर तो फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं दोनों बात करूंगा। कि यदि रिलायंस ग्रुप की पहले बात करूं तो काफी दे आर वेल एंट्रेंच एंड दे आर मेजर प्लेयर इन दी इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं। दूसरी बात है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ग्रोथ आज इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, आप ये जरूर मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट वी विल सी अ 5x to 10x ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 years। तो इसमें जो इस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी और जियो फाइनेंशियल्स जो है वो दे कैन लेवरेज देयर स्ट्रेंथ, वो एक एडवांटेज मिलेगा। कंपनी की बात करूं तो कंपनी का भी करंटली जो सेल्स है वो 1900 करोड़ के आसपास फिलहाल ओवरऑल है, प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो सेप्टेम्बर क्वार्टर में भी कंपनी ने 689 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इसमें लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। यदि मैं शेयर की बात करूं, करीब अभी 300 के आसपास है, इसमें करेक्शन हम लोगों ने देखा है, तो इन्हें बाय करना है लॉन्ग टर्म में तो ही शुड बाय इन ट्रांचेस, मतलब एक बार में ना बाय करके वो यदि मतलब ट्रांचेस में बात करें, मतलब कुछ लॉट इसमें बात करें कि बाय करें कि जब सपोज उन्हें 2000 खरीदना है तो 500 खरीदे, यदि फिर नीचे आता है तो 500 खरीदे, एवरेज आउट करें और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। तो अमर जी की तरफ से बताया गया है कि आप ट्रांचेस में ले, जैसे SIP लेते हैं वैसे यहाँ पे कुछ कुछ समय में आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी इसमें खरीद सकते हैं। चलिए अमर मैं आपके पास आना चाहूँगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, बताएं BSE लिमिटेड पे लॉन्ग टर्म नज़रिए से खरीदारी या कोई और रणनीति की राय बन रही है? हमारे एक दर्शक है कपिल शर्मा, वो इसमें एंट्री की मौके खोज रहे हैं। देखिए BSE की बात करूं तो BSE एक मेजर प्लेयर है फाइनेंशियल मार्केट्स में एज एन एक्सचेंज, और आने वाले समय में भी BSE की जो ग्रोथ है, बिकॉज जैसा हम लोगों ने ओवरऑल मार्केट्स में जिस तरह की ग्रोथ देखी है अक्रॉस सेगमेंट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो इक्विटीज हो, चाहे FNO हो, तो BSE इज वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो इसलिए इसमें एज अ लॉन्ग टर्म निवेश जरूर देखा जा सकता है। हालांकि यदि अभी मैं बात करूं तो जो स्टॉक PE है दैट इज ट्रेडिंग क्लोज टू 100, तो विच इज कंपैरेटिवली वेरी हाई, अर्निंग्स पर शेयर अराउंड 44 है। यदि मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो जून क्वार्टर के भी जो रिजल्ट्स रहे हैं वो अच्छे रहे हैं कंपेयर टू द मार्च क्वार्टर, तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर द सेप्टेम्बर क्वार्टर्स। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव येस, बट अगेन दिस इज अ स्टॉक विच वन कैन लुक एट फ्रॉम अ स्टॉक SIP परस्पेक्टिव, मतलब इसमें यदि वो पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखते हैं और हर एक क्वार्टर पे ऐड करते हैं तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन रादर देन बाइंग ऑल आउट एट द करेंट लेवल्स, बिकॉज जैसा हम लोगों ने देखा था रिसेंट में करेक्शन भी देखा था, उसके बाद एक रैली देखी थी, तो वोलेटाइल रहेंगे स्टॉक्स जिस तरह की मल्टी बैगर, क्योंकि BSE की बात करूं तो 200 पे ट्रेड करता था, वहां से इट्स गॉन अप ऑलमोस्ट 20x, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी, बट वन शुड गो इन अ स्टैगर्ड वे रादर ऑल आउट इस लेवल्स पे जाए।